हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मूवी सही मायने में बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी है, क्योंकि मैं खुद इस मूवी को देखने के बाद दो दिनों तक शॉक्ड में था। ये मूवी आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। तो ऐसा क्या है इस मूवी में, आइए देखते हैं। इस मूवी का नाम है इडन लेक, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 20 स्टार्स है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेन एटकिंस ने, जिन्होंने द वुमन इन ब्लैक और डिसन जैसी मूवी को भी डायरेक्ट किया है। तो अब देखना ये होगा कि ये मूवी कैसी होने वाली है। इस मूवी की शुरुआत होती है स्टीव नाम के एक आदमी से, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जेन को उसके स्कूल से पिकअप करने जाता है। दरअसल जेन नर्सरी स्कूल में टीचर थी और उससे बच्चों से बड़ा प्यार था। स्टीव उसको वीकेंड एंजॉय करने के लिए अपनी कार से दूर दराज के क्वेरी वाले एरिया में ले जा रहा था, जो कि एक खदान टाइप एरिया होता है। ये जगह उनके शहर से बहुत दूर थी। दोनों रास्ते को एंजॉय कर रहे थे और जंगल के रास्ते होते हुए वो एक खूबसूरत सी जगह पर आ पहुँचते हैं। लेकिन जिस जगह पर उन्हें जाना था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसी वजह से उन्हें वहाँ पर बाहर ही रुकना पड़ता है। और फिर वो अपना रास्ता बदल कर पास के एक लेक वाले एरिया में पहुँच जाते हैं। जेनी और स्टीव लेक के पास जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो कि कुछ कर रहा था। जेनी उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता है। स्टीव और जेनी दोनों लेक के पास पहुंचकर अपने कपड़े उतारते हैं और वहीं पर एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ टीनेज बच्चे आते हैं और उस लड़के को परेशान करते हैं जो जेनी को मिला था। फिर हम देखते हैं कि जेनी तालाब के किनारे सो जाती है, लेकिन तभी वहां पर बोनी नाम का एक डॉग जेनी के बिल्कुल पास आ जाता है, जिससे कि वो डर जाती है। बोनी इन्हीं टीनेज बच्चों के साथ में आया हुआ था। स्टीव फिर अपने स्नोफिल पहनकर तैरने के लिए लेक में चला जाता है और डॉग फिर से जेनी को परेशान कर रहा था। स्टीव उसे दूर से देख लेता है और जब वो वापस किनारे पर आता है तो टीनेज बच्चे तेज साउंड में गाने सुन रहे थे। तो स्टीव उन्हें डराकर म्यूजिक बंद करता है और अपने कुत्ते को बांधकर रखने को उन्हें कह देता है। स्टीव की उन लड़कों और पेज नाम की उस लड़की से आर्ग्यूमेंट हो जाती है और फिर स्टीव के जाते ही वे बच्चे फिर से तेज आवाज में गाने चलाने लगते हैं। अब सभी लोग अपना अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। जेनी बिकनी में थी और ये बच्चे उसकी बॉडी को दूर से देख रहे थे। फिर धीरे धीरे शाम होती है और स्टीव वहीं पर कैंप लगाता है और जेनी शाम के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। वो दोनों अपना टाइम एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन जेनी को ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। दोनों जब कैंप में जाते हैं तब भी उन्हें किसी की आवाज आती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जेनी अगले सुबह उठकर देखती है तो उनके खाने में कीड़े लगे थे और अब इनके पास में खाने का सामान भी नहीं था। तो इसीलिए दोनों ब्रेकफास्ट के लिए टाउन में जाने वाले थे। तभी उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि उन टीनेजर्स ने उनकी कार के नीचे बोतल रख दी थी। स्टीव टायर चेंज करता है और दोनों टाउन की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में उन्हें वो बच्चे अपनी साइकिल से जाते हुए दिखाई देते हैं। दोनों फिर रेस्टोरेंट पर जाते हैं और स्टीव उस रेस्टोरेंट के वेटर से उन बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिस पर वो लेडी भी उसे अजीब अजीब आंसर देती है। दोनों जब रेस्टोरेंट से वापस आते हैं तब स्टीव को उनका घर दिखता है और वो उनके पेरेंट को कंप्लेन करने के लिए उनके घर पर जाता है। घर में कोई भी नहीं था और स्टीवन बिना पूछे घर के अंदर घुस जाता है और ऊपर रूम तक जा पहुंचता है। तभी वहाँ पर घर का ओनर आ जाता है और वो जेनी को अपने घर के सामने से गाड़ी हटाने के लिए बहुत गालियाँ देता है। वो आदमी बहुत ही नशे में था और उसे पता चल चुका था कि उसके घर में कोई घुसा हुआ है और उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ पर स्टीव उसे छिपते छिपाते छत से कूद कर वहाँ से भाग जाता है। जेनी और स्टीव दोनों अपनी कार से अपने टेंट की तरफ आते हैं, लेकिन अभी भी कोई उन पर नजर रखे हुआ था। हम यहाँ पर यह भी देख पाते हैं कि स्टीव के पास में एक रिंग भी थी, जिससे कि वो लेक के पास में जेनी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। तभी जेनी ये नोटिस करती है कि उनके बैग गायब है और वो दोनों जब कार की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी कार भी कोई ले गया है। स्टीव बहुत गुस्से में था और उसे पता था कि ये सब उन्हीं बच्चों ने किया है। तभी वो बच्चे स्टीव की कार तेज स्पीड में उनके पास में लेकर आते हैं, जिससे कि वे दोनों बार बार बचते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि रात होने वाली है और स्टीव के पास में ना ही उसकी गाड़ी है ना ही उनका खाने का सामान। वो उन बच्चों को जंगलों में ढूंढते हैं तो देखते हैं कि वे बच्चे जंगल में एक जानवर को पकड़कर उसे परेशान कर रहे थे। स्टीव उन बच्चों के लीडर ब्रेट से अपनी कार की चाबियां मांगता है और ये बच्चे इतने ज्यादा बिगड़े हुए थे कि ये कम उम्र में ही वहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे। ब्रेट स्टीव की बात नहीं सुनता है और एक बच्चा स्टीव के ऊपर चाकू निकाल लेता है। स्टीव उस बच्चे से चाकू छुड़ा रहा था और ब्रेट का डॉग बोनी उस पर अटैक करता है, तो एक्सीडेंटली स्टीव के हाथ से चाकू ब्रेट के कुत्ते को लगता है और मारा जाता है। स्टीव अपनी कार की चाबी उठाकर वहां से भागता है, लेकिन बच्चे उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो पत्थरों से कार की हेडलाइट तोड़ देते हैं, जिससे कि स्टीव को सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और अचानक से स्टीव की कार
एक टूटे हुए पेड़ से जा टकराती है और पेड़ की एक टहनी में स्टीव फंस जाता है। स्टीव घायल था लेकिन जेनी ठीक ठाक थी। वो जेनी को उसका फोन देकर भागने को कहता है ताकि वो मदद ला सके और जेन ठीक ऐसा ही करती है। स्टीव कार में अकेला फंसा हुआ था और वो बच्चे उसे ढूंढ रहे थे। जेनी रात को एक पेड़ के पास में छुप जाती है और जैसे तैसे ये रात खत्म होती है। जेनी अगले दिन उठकर स्टीव की कार के पास में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि स्टीव वहाँ पर नहीं है, लेकिन ज़मीन पर खून के धब्बे ज़रूर मौजूद थे। वो उनका पीछा करते करते उन लड़कों तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उन टीनेजर्स ने स्टीव को बांध कर रखा हुआ है और स्टीव के हाथों और पूरे शरीर में कांटे वाले तार लिपटे हुए हैं। स्टीव की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी लेकिन उन टीनेजर्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ब्रेट वहाँ पर मौजूद सभी लड़कों को चाकू देकर स्टीव को नुकसान पहुँचाने को कहता है क्योंकि ब्रेट अकेला इन सब में नहीं फंसना चाहता था और ये सारा इंसिडेंट पेज उसके मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी ताकि सभी लड़के इन सभी में बराबर के हिस्सेदार हों। फिर वो लड़का जाकर स्टीव के हाथ पर चाकू से एक कट लगा देता है। फिर एक और दूसरा लड़का कटर लेकर आता है जो कि स्टीव के पेट में कटर से कई बार मारता है। जेनी सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर एक और कूपर नाम का लड़का था जो कि स्टीव को मारना तो नहीं चाहता था लेकिन ब्रेट उसे ज़बरदस्ती ये सब करवा रहा था। पीछे से एक लड़का कूपर को धक्का दे देता है और कटर सीधा स्टीव के मुंह में चला जाता है और अब स्टीव की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जेनी अपने फ़ोन से स्टीव के फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट करके उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन बच्चों को पता चल जाता है कि जेनी यहाँ पर है और ये सभी अब जेनी के पीछे पड़ जाते हैं। स्टीव जैसे तैसे उन कांटों से अपने आप को छुड़ाता है और इधर हम देखते हैं कि जेनी उन लड़कों की साइकिल में लकड़ी घुसाकर उन्हें गिरा देती है। फिर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है जहां पर रेडियो था लेकिन वो बच्चे भी वहां पर आ गए थे। वे लोग वहां तक पहुंचते हैं उससे पहले जेनी उस केबिन के ऊपर चढ़ जाती है। ब्रेट को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे स्टीव के भागने की खबर दे देता है। स्टीव अपने आप को छुड़वाकर जैसे तैसे चलता हुआ अपनी कार तक पहुंचता है क्योंकि उसकी कार में फर्स्ट एड था। लेकिन कार का बूट खोलते ही उसकी कार से आवाज़ होने लगती है और सभी लड़के समझ जाते हैं कि स्टीव कहां पर है। स्टीव अपने हाथ में एक रॉड लेकर छुप जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास में आने वाला है। वो उस पर हमला करता है लेकिन असल में वो जेनी थी और जेनी स्टीव के वार से बार बार बचती है। जेनी स्टीव को लेकर वहां से भागती है और उसे लेक के पास में एक छोटे से केबिन में ले आती है। वो उसे पानी पिलाती है और उसे फर्स्ट एड करती है। स्टीव के घावों से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर की ज़रूरत थी। तभी जेनी स्टीव के पास में उस रिंग को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वहाँ पर अब वो बच्चे भी आ गए थे और वो जैसे केबिन पहुँचते हैं उससे पहले स्टीव और जेनी वहाँ से जा चुके थे। असल में स्टीव और जेनी दोनों केबिन के नीचे पानी में छुपे हुए थे। स्टीव की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो जेनी उसे जैसे तैसे पानी के अंदर बचाए हुए थी। फिर उन बच्चों के जाने के बाद में वो स्टीव को पानी से बाहर निकालती है लेकिन स्टीव अपनी आंखें नहीं खोलता है। वो स्टीव को जैसे तैसे जगाती है। स्टीव उससे बस यही कहता जा रहा था कि जेनी यहाँ से भाग जाए। जेनी उसके सामने उसकी रिंग को पहन लेती है और वो स्टीव को झाड़ियों में छुपाकर जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढती है। उसे जंगल में इलेक्ट्रिसिटी टावर दिखाई देते हैं जिसके पीछे पीछे वो टाउन तक पहुँच सकती थी। लेकिन भागते भागते उसका पैर नीचे पड़े एक नुकीले एनिमल ट्रैप में पड़ जाता है और एक नुकीली सिकील उसके पैरों के आर पार हो जाती है जिससे कि वो जोर जोर से चिल्लाती है और बच्चे समझ जाते हैं कि जेनी यही कहीं आसपास है। जेनी जैसे तैसे रेंगते हुए आगे बढ़ती है और एक जगह पर आकर रेस्ट करती है। वहाँ पर वो अपने पैरों से उस नुकीली कील को निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बाहर नहीं आती है तो जेनी अपने मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाकर उस नुकीली कील को बाहर खींच लेती है जिसमें जेनी को काफ़ी दर्द होता है। फिर जेनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी उसके पास में एक लड़का आता है लेकिन ये लड़का उन बच्चों में से नहीं था। ये वही लड़का था जो कि जेनी को इस लेक के पास आते समय मिला था। इस लड़के का नाम एडम था और जेनी उसे मदद मांगती है लेकिन वो लड़का कहता है कि उसकी माँ अपनी जॉब पर गई है। वो लड़का जेनी को अपने पीछे आने को कहता है और वो उसे जंगल के रास्ते कहीं ले जाता है और एक जगह पर लाकर वो उसे रोक देता है। वो लड़का जेनी से कहता है कि उसकी माँ जल्दी यहाँ पर आने वाली है। इस लड़के का नाम एडम था और एडम किसी को कॉल मिलाता है लेकिन असल में एडम भी उन लड़कों के साथ में मिला हुआ था। वो जल्दी ही बाकी सभी लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। वो जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब जेनी की आंखें खुलती है तो उन लोगों ने उसे स्टीव की डेड बॉडी के साथ में बांधा हुआ था। वे सभी स्टीव और जेनी को जिंदा जलाने वाले थे।
ब्रेट सभी से ये काम जबरदस्ती करवा रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पेज ने सभी के वीडियोस बनाए थे जब वो स्टीव को मार रहे थे। ब्रेट जेनी के ऊपर पेट्रोल डालता है और वो आग लगाने का काम एडम को देता है, लेकिन ब्रेट उसे ज़बरदस्ती ये सब करवा रहा था और फाइनली वो उन लकड़ियों में आग लगा देता है। देखते ही देखते एडम के पैर जलने लगते हैं। देखने में सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना था, लेकिन ब्रेट को इसे देखकर मज़ा आ रहा था और पेज एक लड़की होकर भी सभी को रिकॉर्ड कर रही थी। अब आग की वजह से जेनी की रस्सियाँ जल जाती है और वो खुद को आज़ाद करके वहाँ पर ज़मीन पर पेट्रोल में आग लगाकर भाग जाती है, जिससे कि गुस्से में ब्रेट एडम के गले में एक टायर पहना देता है और उस पर भी वो पेट्रोल डालकर बेचारे एडम के गले में आग लगा देता है। ये नज़ारा इतना ज़्यादा भयानक था कि जेनी इस नज़ारे को दूर से देखकर उल्टियाँ कर देती है। अब जेनी जैसे तैसे लंगड़ाते हुए भाग रही थी और वो जंगल में बने एक फॉरेस्ट ऑफिस में पहुंच जाती है जो कि बंद हो चुका था। वो वहाँ पर मैप को फाड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेट अपने फ्रेंड के साथ में आ जाता है और बचने के लिए जेनी पास में पड़े हुए एक डस्टबिन में छुप जाती है जो कि सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था और उसमें बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी। उन बच्चों के जाने के बाद में जेनी वापस बाहर आती है और कांच के एक टुकड़े से अपनी सेफ्टी के लिए एक हथियार बना लेती है। जेनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो तभी पीछे से कूपर आता है। जेनी को ऐसा लगता है कि वो उसे नुकसान पहुँचाने वहाँ पर आया है। वो जेनी तुरंत कांच के टुकड़े को उसके गले में घुसा देती है। कूपर उसे मानना नहीं चाहता था और जब जेनी को ये एहसास होता है तो जेनी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि बच्चों को पढ़ाने वाली एक टीचर ने एक बच्चे को मार डाला। फिर अब रात होती है और पेज को कूपर की लाश मिलती है। ब्रेट भी उसके पास जाता है और सब ब्रेट पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है, लेकिन ब्रेट अभी भी नहीं मानता है। वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग दिखाता है और उस लड़के को फिर से धमका देता है और नहीं मानने पर वो उसे मारता भी है। जेनी भागते भागते जंगल के एंट्रेंस पर पहुँच जाती है जहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी और भागते भागते वो कच्ची सड़क तक भी जा पहुँचती है जहाँ पर एक ट्रक से आकर वो टकराते बच जाती है। ट्रक में बैठा हुआ लड़का उसकी मदद करता है और जेनी उसे बताती है कि एक गैंग ने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है। फिर उस लड़के की बातों से पता चलता है कि वो लड़का अपने भाई को जंगल में ढूंढने जा रहा है और वापस आते टाइम वो जेनी को टाउन में छोड़ देगा। जेनी समझ जाती है कि इस लड़के का भाई कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। ट्रक वाला लड़का जब अपने भाई के पास में जाता है तो जेनी उसका ट्रक लेकर भाग जाती है। फिर जब उसके रास्ते में पेज आती है तो जेनी गाड़ी को नहीं रोकती है और वो पेज के ऊपर से ही गाड़ी को चढ़ाकर भाग जाती है, जिससे कि पेज वहीं पर मारी गई थी। जेनी जैसे तैसे टाउन तक आती है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था तो जेनी को ज़्यादा चोट नहीं आती है। वो ट्रक से बाहर निकलकर देखती है तो पास में एक पार्टी चल रही थी और वहाँ पर जाकर पार्टी में मौजूद लोगों से मदद मांगती है। वे लोग जेनी को अपने घर में ले जाते हैं और उसके घावों की मरम्मत करते हैं। तभी वहाँ पर जेनी देखते हैं कि ब्रेट के पास में जो डॉग बोनी थी उसका बर्तन वहीं पर रखा हुआ है। वहाँ पर मौजूद एक लड़के के पास में फ़ोन आता है और जेनी समझ जाती है कि ये लोग ब्रेट के पेरेंट्स हैं। जेनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देते हैं। फिर जेनी बाथरूम जाने का बहाना करके खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। बाहर मौजूद लोगों को पता चलता है कि किसी ने पेज को ट्रक से उड़ा दिया है और अब जेनी समझ जाती है कि वो यहाँ से नहीं बचने वाली है। वो अपने हाथ में शेव करने वाली एक रेजर को ले लेती है और जैसे ही वो बाथरूम का गेट खोलती है तो सामने ब्रेट था। वो अपने पेरेंट को ये झूठ बोल देता है कि जेनी ने ही उसके दोस्तों को मारा है। जेनी पुलिस को बुलाने को कहती है और पीछे से वो ब्रेट के पिता पर भी हमला कर देती है। ब्रेट के पिता जॉन को उसका फ्रेंड बोलता है कि उन्हें जेनी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो उनके बच्चे ही फंस जाएंगे। जॉन कहता है कि अब जो भी करना होगा वो खुद करेगा और वो ब्रेट को ऊपर जाने को कहता है। जॉन फिर अपने दो दोस्तों के साथ में जेनी को बाथरूम में लेकर जाता है और बाहर बस जेनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ब्रेट अपने रूम में है और वो अपने रूम का गेट लगा रहा है ताकि उसे जेनी के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आए। फिर ब्रेट फ़ोन से सारे वीडियोस को डिलीट कर देता है और उसके चेहरे पर ज़रा भी गिल्ट नहीं था, ना ही जेनी की इस हालत का, ना ही स्टीव के मर्डर का और ना ही अपने दोस्तों को खोने का। और ब्रेट की एक स्माइल के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अब क्या ही कहूँ मैं इस मूवी के बारे में। जब मैंने इस मूवी को देखा था तो मुझे यही लगा था कि अब जेनी के साथ में कुछ अच्छा होगा, अब कोई उसे बचा लेगा, अब कुछ तो अच्छा होगा। मूवी को देखने के बाद मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया कि बेचारी जेनी को क्या पता था कि उसकी लाइफ का एक नॉर्मल सा वीकेंड उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक वीकेंड बन जाएगा। उसने अपने प्यार को खो दिया, वो खुद एक मर्डर बन गई और इतने जख्मों के बाद भी ब्रेट के डैड और दो लोगों ने उसके साथ में क्या क्या किया होगा, उसका रेप करने के बाद में उसे जिंदा भी छोड़ा होगा या नहीं, ये मूवी में नहीं बताया गया है।
इस मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसे देखकर आपको अच्छा फील हो, लेकिन मूवी देखने के लिए मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस मूवी से ये जरूर सीख सकते हैं कि अनजानी जगहों पर अनजाने लोगों से थोड़ा सावधान रहना ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कब क्या हो जाए किसे पता। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जेनी के साथ में उन लोगों ने क्या किया होगा नीचे कमेंट करके मुझसे जरूर बताना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।